नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। जी नमस्ते। हमने पिछली वीडियो में यह चर्चा किया था कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो आरटीआई के परे हैं। जी। हम ये पूछना चाहेंगे कि हम अगर इनसे सूचना प्राप्त करना चाहें तो कोई और तरीका है? कि ऐसा नहीं कि हम सूचना प्राप्त ही नहीं कर सकते वहां से। हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, शर्त है। धारा 24 के तहत सरकार ने जिनको आरटीआई के परे किया है उसके संदर्भ में वह संसद के दोनों सदनों में अपना परिपत्र रखते हैं। ऐसे ही अगर राज्य ने कोई संगठन बनाया है और वह आरटीआई की परिधि के परे रखते हैं उनको, तो उनके बारे में जो राज्य के उनके विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेचर्स, उनके समक्ष वो रखते हैं। अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है इनसे तो हमें दो बातों पर विशेष ख्याल रखना होगा। कौन कौन सी बातें हैं वो? एक तो यह है कि जब हम जनसूचना आवेदन कर रहे हो तो निश्चित रूप से और अनिवार्य रूप से उसमें हम उस संगठन या उस संगठन के व्यक्ति द्वारा जो अपने उस पद के दायित्व के निर्वहन के दौरान की गई है उसमें मानवाधिकारों का बिंदु जरूर लाएं। अगर हम मानवाधिकारों का बिंदु लाते हैं कि हाँ, इस संगठन के द्वारा या इस संगठन के फला फला के द्वारा या मुख मुख व्यक्ति के द्वारा इस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो हमारी जनसूचना मिटनेबल होगी। लेकिन जनसूचना जो हम प्रस्तुत करेंगे वह सीधे वो ट्रांसफर करेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और वो जब कहेंगे हाँ दे दी जाए तब देंगे। इसी तरह से अगर राज्य द्वारा कोई संगठन है, कोई पुलिस फोर्स बना रखी है, कोई सिक्योरिटी फोर्स बना रखी है और आरटीआई की परिधि के परे है, तो संगठन के बारे में सूचना हम ले सकते हैं। लेकिन वहां पर जब हम जनसूचना आवेदन देंगे, जैसे केंद्र सरकार ने बताया ना, ठीक ऐसे यहां भी है, जब हम जनसूचना आवेदन देंगे तो वह संगठन या उसका जनसूचना अधिकारी या उसका जो अधिकारी होगा वह व्यक्ति राज्य सूचना आयोग को प्रस्तुत करेगा कि ऐसी सूचना मांगी गई है, उनसे अनुज्ञा प्राप्त होगी, तब वो देंगे। इसका कोई समय निर्धारित है कि कितने समय तक ये सूचना दे देनी चाहिए? बिल्कुल सटीक सवाल आपने किया, बिना अवधि के तो सारा कुछ गड़बड़ ही होता है। आप देखते होंगे जब हम सामान्य तौर पर जब सूचना मांगते हैं तो इसमें अवधि 30 दिन की होती है। हाँ। 30 दिन के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। अगर अंतरित होकर आई है तो 5 दिन और मिल जाते हैं, और अगर तृतीय पक्ष से संबंधित और अंतरित होकर आई है तो हमको 45 दिन का समय मिल जाता है जन सूचना अधिकारी को। लेकिन यहां पर सीधा सा 45 दिन है, मतलब 45 दिन के अंदर वह जन सूचना आवेदन आपने प्रस्तुत किया है उसका उत्तर आपको दे देना है, मिल ही जाना है, उसका निस्तारण हो जाना है। तो यहां पर चूंकि भ्रष्टाचार की परिभाषा बहुत बड़ी है, अगर भ्रष्टाचार का बिंदु उसमें शामिल है और मानवाधिकार का बिंदु शामिल है, इन दोनों बिंदुओं के आधार पर, यानी मानवाधिकार के उल्लंघन का बिंदु यदि है और यदि भ्रष्टाचार का बिंदु है, तो इन दोनों बिंदु को आपस में लपेटे हुए अगर कोई जनसूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आवेदन दिया गया है तो 45 दिन के अंदर वह जनसूचना आवेदन निस्तारित होगा और जनसूचना उसको दी जाएगी जिसने आवेदन किया है। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।